तीन एक्स डिग्री का माना कोण सी का मान हमें निकालना है। डोंट वरी, हम जानते हैं कि ए और बी का जोड़ कितना होगा, ए और बी का जोड़ भी 90 होगा, क्योंकि ये जो ओपी है ये ओपी एक्स वाई पे लंब है, ये ओपी एक्स और वाई पे लंब है, इसलिए ये भी 90 का और ये भी 90 का है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, सिंस सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, ए इज ए 2x, ए इज ए 2x प्लस बी, बी इज ए 3x इज इक्वल टू 90, देयरफॉर एम्प्लाइज दैट 2x 3x इज ए 5x इज इक्वल टू 90, एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू 90 अपन 5 इज 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40, x इज इक्वल टू 80। अब a का वैल्यू कितना है, a कितने डिग्री का है, a आपका हो जाएगा 2 × 18, x का मान कितना आया 18, तो a का मान हो जाएगा आपका 18 × 36 डिग्री, कितने डिग्री का 36 डिग्री का। b 3 × x कितना है 18 + 54 डिग्री, ये 54 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें निकालना है c का मान कि भैया c कितने डिग्री का होगा, तो c कितने डिग्री का होगा, वेरी सिंपल। देखो c का मान किसके बराबर होगा, c का मान ये देखो, अगर हम इसको इस तरीके से लें, ये इस तरीके से लें इसको, है ना, तो यहां पे बनने वाला कोण और ये यहां पे बनने वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो c किसके बराबर होगा, c इज ए a प्लस 90, c इज ए a प्लस 90 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक का तो 90 हो गया, ये तो 90 हो गया, यहां से लेके यहां तक 90, और उसमें फिर ये a और जुड़ गया, है ना, तो ये हो गया आपका इस तरीके से, ये आपका ये यहां पे बनने वाला कोण, यहां पे ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है ना, एक दूसरे के आमने सामने। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a कितना आया, a 36 है, तो 36 और 90 जुड़ जाएंगे, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6, 9, 10, 2, 12, 126 डिग्री। c का मान कितना आया, c का मान आएगा आपका 126 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब। इस तरीके से हमने c का मान निकाला 126 डिग्री, है ना, ठीक है। चलिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल था जो मैंने आपको कराया एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक आकृति दी गई है हमें, देखो ये आकृति हम बना लेते हैं, ये हमारी आकृति है, ये आकृति हमें दी गई है, और एक आकृति हमें ये दी गई है, एक आकृति हमारी ये है, है ना, एक आकृति ये और एक आकृति ये। अब वो आनंद की मम्मी ने ले लिया होगा, ले लिया आनंद की मम्मी के पास होगा, मिल गया, वाह मिल गया। चलो
अब ये सी डी है, इसको नाम दिया ए बी, ए बी सी डी, और ये ओ ई, ओ ई है ना। अब हमें निकालना है कोण बी ओ ई का मान, बी ओ ई कोण बी ओ ई का मान, तो ये हमें निकालना है। ये एक्स डिग्री है, माना कि एक्स डिग्री, एक तो हमें इसको हमने एक्स मान लिया, ये हमें निकालना है, और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, सी ओ ई, सी ओ ई निकालना है। तो ये सी ओ ई, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण निकालना है जिसका मान 180 से अधिक होता है, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक होता है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जबकि हमें दिया गया है कि बी ओ डी, बी ओ, बी ओ डी 40 डिग्री है, ये आपका बी ओ डी कितना है 40 डिग्री है, ये बी ओ डी 40 डिग्री दिया गया है। बी ओ डी कोण बी ओ डी कितना है 40, फिर ए ओ सी कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी ओ ई बराबर, बी ओ ई बराबर 70, ये हमें दिया गया है। देखो ये हमें दिया है, ये चीजें हमें दी गई हैं, ठीक है ना। अब ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी तो कौन इंप्लाइज दैट ए ओ सी बराबर 70, बी ओ ई, बी ओ ई है ना। अब बी ओ ई तो ए, ए ओ सी, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये जो ए ओ सी है, ए ओ सी, ए ओ सी किसके बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो यहां पे अगर आपका 40 का कोण बनेगा तो यहां पे भी 40 का बनेगा, क्योंकि सम्मुख कोण, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, है ना। तो ये जो बी कोण, कोण बी ओ डी बराबर कोण ए ओ सी, तो यहां पे आ जाएगा आपका 40 प्लस बी ओ ई, ये 70 ओम के अंदर आएगा, बराबर हो गया आपका 30 डिग्री, ये 30 हो गया, ये 30 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है ना। तो बी ओ ई, बी ओ ई ये आपका हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, अपन ने इसको एक्स माना था मगर ये 30 हमने निकाल लिया, ये 30 का हो गया। अब ये 40 का हो गया, अब ये वाला कितने का है, ये कोण कितने का है, ये कोण हमें निकालना है ना। ये कोण कितने का है, कोण सी ओ ई,
सी ओ ई, पहले हम कोण सी ओ ई निकालेंगे, ठीक है ना, निकालते चलो। तो देखो ये जो रेखा है, अभी फिलहाल अपन ये हटा देते हैं ये रेखा। अब इस रेखा पे ऊपर की तरफ बनने वाले सभी कोणों का जोड़, ऊपर की तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होगा, 180। कितना होगा, 180, क्योंकि रेखीय युग्म विग्रहिति से ये लिखेंगे। एक ही रेखा के एक तरफ बने हुए, एक ही रेखा के एक ही तरफ बने हुए सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस अभिग्रहिति को रेखीय युग्म विग्रहिति कहते हैं। तो रेखीय युग्म अभिग्रहिति, रेखीय युग्म अभिग्रहिति क्या कहती है कि ये जो रेखा है, इस रेखा पे बने हुए ऊपर की तरफ बने हुए सभी कोणों का जोड़, ऊपर की तरफ बने सभी कोणों का जोड़ 180 होगा। तो कोण ये कौन सा है, ए ए ओ सी है ना, तो लिखो यहां, चलो यहां लिख देता हूं मैं, कोण ए ओ सी प्लस ए ओ सी सी ओ ई सी ओ ई सी ओ ई प्लस फिर बी ओ ई बी ओ ई, तो इन सब का जोड़ कितना होगा, 180 है ना। अब भैया ए ओ सी कितने का है, ए ओ सी कितने का है, ए ओ सी बोले 40 का है, प्लस सी ओ ई कितने का है, तो सी ओ ई पता नहीं कितने का है, मगर हाँ बी ओ ई बी ओ ई तो भैया ये तो 30 का है, बराबर 180, 40 और 30 हो गए 70, प्लस सी ओ ई सी ओ ई बराबर 180 है ना। अब सी ओ ई तो इधर ही रहेगा, ये 70 का उधर पक्षांतरण कर देंगे, तो कोण सी ओ ई बराबर 180, और ये 70 उधर गया तो ऋण का हो गया 70, ऋण का 70 है ना। तो कितना बचेगा भैया, ये बचेगा आपका 110 डिग्री। अब सी ओ ई कितने डिग्री का है, कोण सी ओ ई 110 डिग्री का है, कोण सी ओ ई 110 डिग्री का है, तो इसका प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रतिवर्ती कोण। तो सी ओ ई का कोण, सी ओ ई का प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण, सी ओ ई का प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कितने का होगा, 360 में से घटा दो ये 110 घटा दो तो ये हो जाएगा बेटा आपका 0, 6 में से गया 5, 3 में से गया 2, 250 डिग्री का होगा, 250। तो कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण 250 डिग्री का होगा। चलो तो ये प्रतिवर्ती कोण की जो अवधारणा थी, ये प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण वह कोण होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है किंतु 360 डिग्री से छोटा होता है, ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और जो कोण 360 डिग्री का होता है उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं, जो 360 डिग्री का होता है उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। चलिए अगला जो सवाल है, दो 2019
में पूछा गया सवाल, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखो ये आकृति दी गई है, ये आकृति दी गई है, क्वेश्चन है एक्स और वाई का मान ज्ञात करो, एक्स और वाई का मान ज्ञात करो, है ना। ये दो समांतर रेखाएं हमारे पास हैं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और इन रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है ना। अब हमें इसको नाम चाहो तो आप दे दो पी क्यू, पी क्यू आर एस, यहां पे आर नाम दे दो और यहां एस नाम दे दो। चलो तो ये कहता है कि ये 50 डिग्री का कोण है, ये 50 का है, यहां बनने वाला कोण कितने का है 50 का, और यहां पे बनने वाला कोण 130 डिग्री का है। तो एक्स ये एक्स है और ये वाई, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई के मान हमें ज्ञात करना है। तो दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को अगर कोई रेखा तिरेक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती हुई दो बिंदुओं से गुजरती है तो बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये एक्स जो है वो कोण y के बराबर है, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है ना। तो लिखेंगे x बराबर y, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण है, ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। अब ये एकांतर कोण है ना। अब देखिएगा कि ये जो रेखा है, चलो इसको हटा दो, अभी फिलहाल इसको हटा दो, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेखा है, ये रेखा जा रही है, ठीक है ना, ये रेखा, ठीक है, और एक रेखा ऐसी जा रही है, ठीक है। अब दोनों रेखाएं बिंदु एस पे कटी तो ये दो वाय हो गया, तो यहां पे बना हुआ कोण यहां पे बने कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दो तिरेक्षेदी रेखाओं, दो तिरेक्षेदी रेखाओं से में अगर दो तिरेक्षेदी रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो तिरेक्षेदी रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो बने सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके मुख के सामने ये वाला, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो y बराबर कितना होगा, y इज इक्वल टू 130 लिख दो यार, शीर्षा विमुख कोण या सम्मुख कोण, शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख कोण कहें या सम्मुख, या सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो y बराबर कितना 130, तो x बराबर भी, इसलिए x बराबर भी 130, क्यों, क्योंकि एक्स वाई के बराबर है, एक्स वाई के बराबर क्यों है, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा कॉमन सेंस पे सवाल था आधारित, और बहुत सरल सवाल था। चलिए अब अगला प्रश्न थोड़ा सा है, देख लीजिएगा आप, इसमें तीन समांतर रेखाएं आपको दी गई हैं, है ना, तीन समांतर रेखाएं हमें दी गई हैं। देखिएगा ये हमारी पहली समांतर रेखा है और ये हमारी
दूसरी समांतर रेखा है, तो ये हमारी तीसरी समांतर रेखा है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ। अब एक तिरेच्छेदी रेखा, ये एक तिरेच्छेदी रेखा है पी और क्यू, पी और क्यू तिरेच्छेदी रेखा है जो कि इनको आर एस, ये आर, ये एस और ये जेड, आर एस आर एस टी, आर एस टी पर काटती है ना, ए बी को आर पे प्रतिच्छेद करती है, सी डी को एस पे प्रतिच्छेद करती है, ई एफ, ई एफ को टी पे प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि वाय अनुपात जेड, यदि वाय अनुपात जेड बराबर, यदि वाय अनुपात जेड बराबर 3:7 है ना, वाय अनुपात जेड बराबर 3:7 है, तो एक्स का मान ज्ञात करो, एक्स का मान ज्ञात करो, एक्स का मान हमें निकालना है। चलिए ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाय है और ये जेड है, ये आपका जेड है, ये आपका जेड है। तो देखिए बहुत सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा आप ध्यान से, उत्तर इस चित्र में उत्तर है। अब हमें दिया है वाय अनुपात जेड 3:7। अब वाय, ये वाय है ना, तो भैया देखिएगा कि कोण वाय, तो ये भी कोण वाय होगा क्योंकि ये संगत कोण है, ये संगत कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछेदी रेखा काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण कहलाता है। अब यहां पे वाय है और यहां पे जेड है, तो यहां पे भी वाय होगा, यहां पे वाय है तो ये भी वाय होगा, ये वाय तो ये भी वाय, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये भी वाय। अब वाय अनुपात जेड, वाय अनुपात जेड, तो देखो वाय बराबर मान लेंगे हम 3x डिग्री और जेड बराबर मान लेंगे 7x डिग्री। अब रेखीय युग्म अभिग्रहीति से, रेखीय युग्म अभिग्रहीति क्या कहती है कि एक ही रेखा पे बने, एक ही रेखा पे बने सभी कोणों का योग कितना होता है, एक ही रेखा पे बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो y और z, y और z का जोड़ कितना होगा, तो y प्लस z बराबर होगा आपका 180 डिग्री। क्यों, यहां लिख दो रेखीय युग्म अभिग्रहीति से, इस रेखा पे बने हुए कोण, ये एक ही रेखा पे बने सभी कोण, तो यहां दो कोण बन रहे, एक y और एक z, तो रेखीय युग्म अभिग्रहीति से, रेखीय युग्म अभिग्रहीति से, रेखीय युग्म अभिग्रहीति से क्या होगा, y प्लस z इज इक्वल टू 180। अच्छा y
वाई इज थ्री एक्स, वाई इज थ्री एक्स और जेड जेड इज सेवन एक्स, जेड इज सेवन एक्स इज इक्वल 180 सेवन एक्स थ्री एक्स इज ए टेन एक्स, टेन एक्स इज इक्वल टू 180. अब x इज इक्वल टू 180 दस गुणा में, तो बटे में दस आ गए, दस कहां पे आ गए, बटे में आ गए, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू हो गया आपका 18, x का मान कितना आया 18. अब यहां पे x का मान आप रख देंगे तो y बराबर 3 × 18 तिया 54 डिग्री और z बराबर 7 × 18 18 × 5 = 90 18 × 6 = 108 18 × 7 = 126 56 का 6 ऐसे लगा 5 7 5 12 126 डिग्री. चलो y और z का मान निकल गया. अब x की बात करेंगे तो x का मान क्या होगा, है ना, x का मान कितना होगा, तो भैया x का मान कितना होगा ये हमें पता लगाना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए. चलो ठीक, ये y है तो ये भी y होगा, है ना, ये भी आपका y होगा और इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा, ठीक है ना, रेखीय युग्म विकृति से तो ऐसा ही होगा. चलो कर लेते हैं, ये भी देखो फिर लिखो रेखीय युग्म अभिग्रहीति, रेखीय युग्म अभिग्रहीति से इन दोनों का जोड़ कितना होगा, इन दोनों का जोड़ 180, x प्लस वाई बराबर 180. अब y का मान कितना है, y इज ए 54, y इज ए 54 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180, ये उठ के उधर गया माइनस का 54, x इज इक्वल टू 6 2 1 126. x का मान कितना आया आपका, x आपका बिल्कुल सही, x का मान होगा 126 डिग्री, x का मान 126 डिग्री होगा, ये भी हमारा बिल्कुल सही है. चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा आप, परी परी सो रही है क्या, नहीं थोड़ा सा बाहर फटकार ला ना, देखिएगा बेटा अगला प्रश्न है हमारा, एक्स वाई जेड, एक्स एक्स वाई जेड,
अब हम एक हमारा 62 डिग्री है, एक हमारा 62 डिग्री का है, 62 डिग्री का कोण है, और एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हमारा 54 डिग्री का है, ये हमारा 54 डिग्री का है, ठीक है ना। और वाई ओ और जेड ओ, वाई ओ और जेड ओ एक्स वाई जेड, इसके समद्विभाजक है, एक्स के वाई के और जेड का कोण, वाई का समद्विभाजक कोण, वाई का समद्विभाजक, समद्विभाजक वाई ओ, जेड का समद्विभाजक जेड ओ, इनका ये समद्विभाजक है ओ जेड वाई, और वाई ओ जेड हमें ज्ञात करना है। चलिएगा, अब ये जो हमें त्रिभुज दिया गया था, इस त्रिभुज में हमें जो दिया गया था वो पहले तो हम लिख लेते हैं कि दिया है, क्या दिया गया है सवाल में, सवाल में दिया गया था कि कोण x 62 डिग्री का था, कोण y 54 डिग्री का था, और कोण z जो कि हमें पता ही नहीं था कितने का है। तो माना कि निकालना है, क्वेश्चन मार्क, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, 62, 54 और जेड बराबर 180 है ना। अब देखिएगा, जहां समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा आप, है ना, 2 मिनट, अब इनको जोड़ेंगे 2 और 4 6 6 और 5 11, है ना, एम्प्लाइज डेट कोण जेड बराबर 180, 116 उठ के उधर गए, माइनस के 116, कोण जेड बराबर 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, तो ये वो निकला हमारा 64 डिग्री का, कोण जेड हमारा कितने डिग्री का आया, कोण जेड हमारा 64 डिग्री का है, ठीक है ना, ये हमारा 64 डिग्री का है। तो हमें निकालना, क्या क्या निकालना है हमें सवाल में, हमें निकालना है कोण ओ जेड वाई क्वेश्चन मार्क, कोण वाई ओ जेड, कोण वाई ओ जेड क्वेश्चन मार्क, ये दो चीजें हमें निकालना है। तो ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, यानी कि ये वाला कोण, जिस पे कोण बनता है उसको बीच, बीच में लिखा जाता है, इस पे कोण बनता है तो ये वाला बीच में लिखा जाता है उसको, तो ये वाला कोण हमें निकालना है कि ये कितने डिग्री का है। ओ जेड
वाई, ओ जेड वाई, ये वाला निकालना है। अच्छा ये पूरा कितने का है, तो पूरा 64 का है, ये पूरा जेड 64 का है और ये इसका आधा है क्योंकि समधि भाजक है। हमने पहले बोल दिया था कि ओ जेड क्या है, ओ जेड कोण जेड का समधि भाजक है, तो ये वाला कोण आपका आ जाएगा कोण ओ जेड वाई बराबर कोण जेड का आधा, कोण जेड का आधा, ओ जेड वाई बराबर 64 का आधा, दो तिया छः, दो दुनी चार, यानी कि कोण ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री का है, ये 32 डिग्री का है। अब वो कहता है कि वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, वाई ओ जेड कितने का है, वेरी सिंपल, देखो बहुत सरल है, बहुत सरल है ये। तो भैया ये पूरा, तो पूरा कितने का था, 64 का, और उसका आधा हो गया 32, यानी कि अंदर वाला 32 डिग्री का है। अब ये वाला 54 का था, y कितने डिग्री का दिया, y 54 का है, देखो y कितने डिग्री का है, y 54 का है, ये पूरा 54 का है, पूरा 54 का है, तो आधा कितने का होगा, आधा कितने का होगा, 27 का, 27 दूना 54, तो भैया ये आधा 27 का है, ये आधा अंदर की तरफ वाला 27 का है और ये 27 का है, तो 27 54, 32 और 32 54, ये 32 54, ठीक है ना। अब हम ये सब हटा देते हैं, अब हमें एक त्रिभुज दिख गया, ये हमारा एक त्रिभुज है, ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज में तीन कोण है, कोण ओ जो कि हमें मालूम नहीं कितने का है, कोण वाई और कोण जेड, तो हमें यही निकालना, वाई वाई ओ जेड, वाई ओ जेड जिस पे कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है ना। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, हमें मालूम है कि भाई 300, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण ओ, कोण ओ, कोण वाई, कोण जेड बराबर 180 डिग्री, ओ कहो, कोण ओ कहो या वाई ओ जेड कहो, एक ही बात है, वाई ओ जेड कहो या कोण डायरेक्ट कोण ओ कहो, तो कोण ओ प्लस वाई कितने का है, वाई 27 का है, प्लस आप चाहो तो इसको पूरा लिख दो, चलो पूरा लिख दो, ऐसे लिख दो आप, तो कोण वाई ओ जेड, वाई ओ जेड प्लस ओ मतलब बीच में, फिर y को लेना है, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, ये y आ गया, बीच में y आ गया। अब z को लेना है, तो कोण ओ जेड वाई, ओ जेड वाई बराबर 180, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये तो हमें निकालना है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब है आपका, ये सब, हाँ 121 सही है बेटा, ये अपना जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका कोण वाई ओ जेड प्लस 2 और 7 9 2 3 5 बराबर 180 और y o z बराबर 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2 और 1 का 1, वेरी नाइस। तो इस तरीके से ये हमने कोण निकाल लिया।
अच्छा सवाल था ये भी एक अच्छा सवाल था जो मैंने आपको कराया, इसी से संबंधित। बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा, रोज पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला प्रश्न करेंगे अब हम। अगला प्रश्न हमारा है, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, और ये आपका S और T, this is S and T। ये आपका 110 का है, ये 135 का है, ये आपका 110 डिग्री का है, और ये आपका 135 डिग्री का है। ठीक है ना, तो ये कहता है कि कोण पी आर क्यू ज्ञात करो, कोण पी आर क्यू कितने का होगा, क्वेश्चन मार्क, पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू हमें ज्ञात करना है, यानी कि पी किधर है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये वाला कोण हमें निकालना है, ये कितने डिग्री का है। अब देखो इस पूरे का रेखीय युग्मविग्रहिति से अगर हम देखें तो इस पूरे का मान कितना होगा, इस पूरे का मान 180 डिग्री होगा, है ना, तो ये लिखेंगे, चूंकि रेखीय युग्म अभिग्रहिति से, रेखीय युग्म अभिग्रहिति से एक ही रेखा पे बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये वाला कोण कौन सा, टी क्यू पी, कोण टी टी क्यू, क्यू पे बनेगा, जिस पे कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं, जिस पे कोण बनता है उसको बीच में, तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इतने इतने की, इतने इतने की बात कर रहे हैं, टी क्यू पी, टी क्यू पी प्लस, अब हम इसकी बात करेंगे, इस वाले की, है ना, इस वाले की, तो ये कौन कौन सा आपका, ये कौन, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, देखो दोनों कोण क्यू पे बन रहे हैं, दोनों किस पे बन रहे हैं, दोनों क्यू पे बन रहे हैं, तो देखो दोनों बार मैंने क्यू को बीच में लिखा, यहां पे भी बीच में क्यू है और यहां पे भी बीच में क्यू है, बीच में क्यू है, है ना, बराबर कितना, बोले 180। अब टी क्यू पी, टी क्यू पी, ये 110 का है, तो इसकी जगह 110, और ये वाला हमें मालूम नहीं अंदर वाला कितने का है, तो इसको ऐसा कैसा लिख दो, पी क्यू आर बराबर 180, कोण पी क्यू आर बराबर 180, ये 110 उसके उधर जाएंगे, ट्रेन के 110, तो कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएंगे 0, 7 में 8 में से गया 7, 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री का, यानी कि ये वाला कोण आपका अंदर वाला 70 का भैया। अब इसको अपन थोड़ा सा सरल तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सरल लगेगा, ये 70 डिग्री का। अब इसी प्रकार रेखीय युग्मविग्रहिति लगेगी, है ना, देखो ये वाला कोण, है ना, यह लिखो
चूंकि सिंस रेखीय युग्म अभिग्रहिती से रेखीय युग्म अभिग्रहिती से ये वाला कोण एस पी आर क्योंकि कोण पी पे बनता है एस पी आर प्लस आर पी आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू बराबर 180 बराबर। देखो दोनों बार P को बीच में लिखा है क्योंकि कोण P की बात हो रही है, ये वाला और ये वाला, इन पूरे का जोड़ 180। अब भैया ये बाहर वाला तो 135 का है, बाहर वाला 35 का, और ये अंदर वाला कितने का पता नहीं, अंदर वाला कितने का हमें नहीं पता, अभी पता लगाते हैं। R P Q बराबर 180 R P Q बराबर ये उठ क्यों उधर गया आर पी 10 में से 5 7 में से 3 गया 4 ये 45 का ये आपका 45 का ये 45 का। अब ये कितने का है यही तो हमें निकालना था सवाल में, अब ये सवाल में हमें निकालना है तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण कोण क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू बराबर 180। देखो कोण P कोण Q और कोण R, कोण P कोण Q कोण R बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब P पे कितने का है, P पे 45 का है, P पे 45 डिग्री का, Q कितने का है बोले 70 का है, और R कितने का है बोले पता ही नहीं है, तो P R Q हमें निकालना है बराबर बराबर में 180 डिग्री। अभी जुड़ जाएंगे 70 और 45 है ना, पांच का पांच 7 4 11 कोण पी आर क्यू बराबर 180 कोण पी आर क्यू बराबर 180 उठ के उधर गया माइनस का 115 कोण पी आर क्यू बराबर 10 में से 5 गया 5 7 में से 1 गया 6 65 डिग्री। तो ये हमारा 65 डिग्री का आ गया, ये हमारा 65 डिग्री का कोण होगा जो हमने आपको निकाल के दिखाया, ठीक है ना। चलो तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जो कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नेक्स्ट है आपका एक त्रिभुज है पी क्यू आर है ना, ए बी इसके शीर्ष से होती हुई जा रही है रेखा ए बी
दिस इज ए बी, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, दिस इज सी डी। अगर ये 50 का है, ये बहिष्कोण जो बाहर की तरफ बना है 50 का है, और इधर बनने वाला बहिष्कोण 127 डिग्री का है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। तो एक्स और वाई का, इस सवाल में एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, त्रिभुज से रिलेटेड। अब त्रिभुज के तो कॉन्सेप्ट हमें मालूम ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है ना। अब देखिएगा कि ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें बाहर की तरफ बनने वाला कोण 127 डिग्री, ये बहिष्कोण। तो किसी त्रिभुज में बहिष्कोण की माप, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण की माप, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण परमेय से, यहां लिखेंगे आप बहिष्कोण, बहिष्कोण परमेय से, बहिष्कोण परमेय से, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण की माप उसके समदूरस्थ, इससे समान दूरी पर, समदूरस्थ, इससे दूर, इससे दूर कौन है, ये तो निकट वाला है, ये तो निकट वाला हुआ, 127 के निकट तो ये है, 127 के निकट ये है, मगर इससे समदूरस्थ, इससे समान दूरी पे, एक तो ये और एक ये, एक ये इससे समान दूरी पे कोण, तो ये वाला कोण और ये वाला, तो किसी बहिष्कोण की माप उसके समदूरस्थ अंतः कोणों, अंदर की तरफ बनने वाले कोणों, अंतः, अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। किसी बहिष्कोण की माप, किसी बहिष्कोण की माप उसके समदूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। अंतः कोण हमारे कौन से हैं, एक्स और वाई हमारे अंतः कोण हैं, तो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा 127, ये समीकरण एक, ठीक है ना। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि ये ए बी और सी डी, ए बी और सी डी कैसी हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, चूंकि ए बी समांतर सी डी, ए बी सी डी के समांतर है, और पी क्यू, ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू तिरछेदी रेखा है, ये पी क्यू क्या है, तिरछेदी रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछेदी रेखा बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, तो बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि X का मान 50 के बराबर होगा, X किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा, एकांतर कोण, यानी कि तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब x का मान यह रख दो, x का मान यह रख दो, x की जगह x का मान है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50 उठ के उधर जाएगा, ये 50 उठ के उधर जाएगा, तो क्या का 50 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 127 माइनस 50, यानी कि y का मान हो जाएगा 75 डिग्री, y कितने डिग्री का, 77 डिग्री का, और x इज ए 50, x इज ए 50। चलो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आपका, ये जो आकृति हमें दी गई है ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई, ये 35 है और ये 53 है, ये 35 डिग्री और ये 53 डिग्री, तो कोण डी सी ई का मान ज्ञात करना है, तो हमें कोण डी सी ई कितने डिग्री का होगा, क्वेश्चन मार्क, कोण डी सी ई, तो डी सी ई, डी सी ई, डी सी ई कितने का होगा, वेरी सिंपल, बहुत सरल है। कैसे सरल है देख, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉन्सेप्ट यह है, यह उदाहरणा देखिएगा, ये जो ए बी है ये किसके समांतर है, ये समांतर है, देखो ये समांतर रेखा है, जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरेक छेदी रेखा, ये देखो आप ध्यान से देखिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरेक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि इधर बनने वाला कोण ये और इधर बनने वाला कोण ये बराबर होंगे, ये एकांतर कोण है, अगर ये 35 का तो ये भी 35 का होगा, दिस इज 35 बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल एकांतर कोण है, यह लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर डी ई, ए बी समांतर डी ई के, देयरफॉर कोण बी ए, बी ए ई, बी बी ए, बी ए ई, बी ए ई बराबर बराबर ए ई डी, ए ई डी, ए ई डी, यहां पे बनने वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। अब यहां तक बात समझ में आ गई, अब क्या है, अब तो सवाल हो गया, देखो आप यहां पे ई लिखा हुआ है, यहां पे डी लिखा हुआ है, देखो अब आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, अब त्रिभुज में दो कोण मालूम है तो तीसरा कोण निकालना कौन सी बड़ी बात है, हमें निकालना डी सी ई, डी सी ई, ये निकालना हमें डी सी ई, डी सी ई, तो निकाल लेते हैं, देखो डी सी ई प्लस सी डी ई प्लस सी ई डी, सी ई डी बराबर 180। देखो सी पे कोण बना तो सी को बीच में लिखा, डी पे कोण बना डी को बीच में, ई पे कोण बना, चलो सी, डी
सी ई प्लस डी 53 प्लस ये 35 बराबर 180 है ना। डी सी दर्दी हाँ बेटा कौन सी ई टी बराबर 92 वेरी गुड हाँ सही जवाब वेरी गुड डी सी ई 92 सही जवाब है आपका बिल्कुल सही जवाब आया। वेरी गुड तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण सवाल हमने कर दिखाया आपको। चलो अब अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। ये 65 डिग्री का है और चलिए कोण पी ये कोण पी 90 का है ये हमें दिया है ये 90 का है पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस और टी और ये एक्स वाई ये एक्स है और ये वाई है और ये 28 डिग्री है ये हमारा 28 डिग्री ये 28 डिग्री ठीक है ना। तो ये सवाल है हमारे पास। इस सवाल के माध्यम से इस चित्र के माध्यम से हमें x और y का मान निकालना है। PQ और PS परस्पर लंबवत हैं। PQ लंबवत है PS। जब एक रेखा दूसरी रेखा पे लंब होती है ना तो 90 का कोण बनता है। ये 90 डिग्री का लंबवत होते हैं तो 90 का बनता है। तो PQ PS पे लंबवत है तो 90 का P पे 90 का कोण बन गया। ठीक है ना, अच्छी बात है। अब भैया x और y का मान निकालना है और अब ये मान कैसे निकाला जाए ये हमें देखना है। ठीक है ना, वेरी सिंपल। और इसमें एक और बात कही गई है कि PQ जो है वो ये जो
पी क्यू रेखा है, ये रेखा पी क्यू किसके समांतर है, आर एस के समांतर है, ये दोनों समांतर है, तथा तथा पी क्यू समांतर है आर एस के, पी क्यू आर एस के समांतर भी है ना। तो यहां पे अगर 90 का कोण बनता है तो यहां पे भी 90 का ही कोण बनेगा है ना, ये भी हमारा 90 का होगा। तो ये वाला कोण कितने का होगा, देखिएगा y प्लस इतना इतना तो y, तो y प्लस इस कोण को हम बोलेंगे q s r, q s r क्योंकि कोण s पे बन रहा है ना, s को बीच में q s, q s r बराबर 90। तो क्यू एस आर बराबर 90, ओके है ना, ये 90 का है, अच्छी बात है। हाँ, एक और पॉइंट की बात कि भैया ये तिरेक छेदी रेखा है, ये तिरेक छेदी रेखा है, ये जो रेखा है तो यहां पे बना हुआ कोण और यहां पे बना हुआ कोण बराबर है, एकांतर कोण है ना। तो लिखेंगे कोण क्यू एस आर, इसको समीकरण एक, क्यू एस आर बराबर कितने का है, 180 डिग्री का लिख दो, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है ना भैया। तो ये भी आपका एक्स का है, ठीक है, ये एक्स का है। तो ये समीकरण एक में मान रख दो, तो ये y और इसकी जगह तो x आ जाएगा क्योंकि ये x के बराबर है, ये किसके बराबर है, x के, तो इसका मान x बराबर 90, ठीक है। ये समीकरण हो गई आपकी दो। अब ध्यान से देखिएगा आप, क्यू और एस ये बाहर की तरफ बना हुआ कोण जिसे हम कहते हैं बहिष्कोण परमेय से, बहिष्कोण परमेय से क्या होगा, यह लिखेंगे आप बहिष्कोण परमेय से, बहिष्कोण परमेय से ये 65, बहिष्कोण परमेय से बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का मान समदूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप समदूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो x प्लस 28 बराबर 65, तो x बराबर हो जाएगा 65 माइनस 28, तो x बराबर हो जाएगा 15 7 5 2 3 37 डिग्री, x का मान आ गया 37, x का मान आधा सवाल हो गया। अब x के मान को समीकरण दो में पुट कर दो, x का मान समीकरण दो में पुट कर देंगे तो ये 37 को हमने यहां पुट कर दिया,
तो ये y बराबर हो जाएगा हमारा 90 माइनस 37, बोले तो कितना, 10 में से 7 गया तो 3, 10 में से 7 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5 53। तो y का मान आया 53 डिग्री, y का मान 53 डिग्री और x का मान 37 डिग्री। तो ये बहुत अच्छा सवाल था जो मैंने आपको कराया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, सिद्ध करो कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये भी हमारा प्रश्न देखिएगा आप, ये प्रमेय है, एक थ्योरम है ये कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखिएगा ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो नंबर एक दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी, नंबर दो सिद्ध करना है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री, ठीक है ना। रचना नंबर तीन, में रचना बी को डी से मिलाया, बी को डी से मिलाया, बी को डी से मिलाया, बी को हमने किससे मिला दिया, बी को हमने डी से मिलाया। तो देखिएगा ये मैंने बी को डी से मिला दिया, तो यहां पे कोण एक, यहां पे कोण दो और तीन, यहां पे चार, यहां पे पांच और ये छह। अब उपपत्ति की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, उपपत्ति, अब उपपत्ति में आपको दो त्रिभुज दिखाई देते होंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी इधर वाला त्रिभुज, कोण एक, धन कोण दो, धन कोण छह बराबर 180 डिग्री, अब त्रिभुज लेंगे हम बी सी डी, बी सी डी में कोण तीन चार पांच,
कोण तीन, कोण चार और कोण पांच बराबर 180 ये दो समीकरण एक और दो को जोड़ने पर समीकरण एक प्लस समीकरण दो से एक धन दो से इनको जोड़ लेंगे कोण एक धन कोण दो धन कोण तीन धन कोण चार धन कोण सॉरी एक दो छ एक दो छ फिर तीन चार पांच तीन चार और पांच बराबर 180 और 180 180 और 180 हो गए 360 कोण एक कोण दो के साथ तीन को ले लो फिर कोण चार पांच के साथ छह को ले लो बराबर 360 कोण एक किसको माना था अपन ने कोण एक ए था दो और तीन का जोड़ दो और तीन को मिला के क्या बन गया दो और तीन का पूरा दोनों को जोड़ेंगे तो कोण बी हो जाएगा चार को हमने सी माना है पांच और छह का जोड़ क्या हो जाएगा डी हो जाएगा बराबर 360 इति सिद्धम यही हमें सिद्ध करना था यह बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय जो परीक्षा में आ सकती है हमने आपको करा दी तो ये सवाल आप नोट कर लीजिए ठीक है ना ठीक ओके समझ में आ गया बेटा सवाल है ना ठीक ठीक है ना फिर कल कल अपन ढाई बजे तक है ना 2:20 या ढाई बजे तक है ना 2:20 2:30 है ना 2:30 को ओके 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 सर जी बहुत अच्छा पढ़ाया आपने चलो ठीक ओके ओके ओके